महाशक्ति के पूजा का महापर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी के दर्शन और पूजन का विधान है। कुछ लोग प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना भी करते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। अखंड ज्योति का भी बड़ा महत्व है और इसके कई सारे फायदे भी हैं। आइए जानते हैं काशी के ज्योतिषाचार्य से नवरात्र में अखंड ज्योति का क्या महत्व है। नवरात्र में माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग फलाहार रहते हैं, बहुत सारे निर्जला व्रत रहते हैं, बहुत सारे पहला और लास्ट वाला रहते हैं। माँ को प्रसन्न के लिए सप्तशती का पाठ किया जाता है, दुर्गा स्त्रोत का पाठ किया जाता है, सिद्ध कुंजिका का पाठ किया जाता है। तमाम प्रकार के प्रयोजन करके माँ को प्रसन्न और मन को उनके मन को मोहित करने का प्रयास भक्त जन किया करते हैं। इसी क्रम में जो अखंड ज्योति का निर्माण हम लोग करते हैं, जो अपने हाथों से हम लोग बनाते हैं, जो घी का दीपक एक रखकर उसमें माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी उनको आराधना करते हैं और अखंड दीपक जलाते हैं, जो 9 दिनों तक रातों दिन 24 घंटा जो है चलता रहता है। इससे क्या होता है कि यह आपकी मनोकामना की पूर्ति करने का एक उत्तम साधन है। जो भी आप मन में संकल्प लेकर इसको जलाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहता हूँ, दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए ये तो है ही है, साथ साथ आपका शुद्ध मन होना चाहिए। यह जो दीपक होता है अखंड रूप से आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर भी शुभ माना जाता है।